हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पार्की डिवास। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनीसो हॉल। ये जिनको नहीं पता है कि मिनीसो क्या है, ये मिनीसो एक रिसेंटली लॉन्च स्टोर है जो कि आप किसी भी मॉल में या स्टोर्स पे मिल सकता है आपको इधर उधर, या मार्केट में, या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। मिनीसो के लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो हेयर आई एम विद दिस वीडियो। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाली ये वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब के बटन में जो बेल है उसको क्लिक करना है और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। और ये बहुत ही छोटा सा हॉल है सो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टडंग। तो सबसे पहले मेरे हाथ में जो आया है वो ये है, ये मिनीसो के कॉटन पैड्स हैं। एंड ये बहुत ही मतलब एक ब्यूटी ब्लॉगर के लिए ये तो मस्ट हैव है क्योंकि तो हमें मेकअप करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, तो ये मेकअप को रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये मेकअप रिमूविंग कॉटन पैड्स हैं सो उनके लिए जिनको मेकअप रिमूव करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो ये काफ़ी अच्छे हैं। ये हैं 150 रुपीज़ के और आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो है 180 शीट। 150 रुपीज़ में आपको 180 शीट्स मिलती हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। इवन आपको कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी आप ब्रांड में चले जाओ तो आपको काफ़ी महंगा मिलता है। 100 रुपीज़ में 60-80 शीट्स मिलती हैं जबकि यहाँ पे आपको मिल रही है 150 में 180 शीट्स जो कि स्क्वायर शेप में है। नाउ आई हैव ऑलरेडी ट्राई दैम और ये काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं और स्किन पे ये काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं स्किन पे। आपके मेकअप को इजीली रिमूव कर देती है मेकअप रिमूवर की हेल्प से। ये कुछ ऐसे दिखती हैं, स्क्वायर शेप में आती हैं तो काफ़ी अच्छी हैं ये। और एक अच्छी बात यह है कि आपको इसके साथ ये टिक टैक समथिंग कुछ मिलता है जो कि आपको एयर टाइट कर देता है आपकी कॉटन पैड्स को, और ये आपके कॉटन पैड्स को बैक्टीरिया वाले मतलब बैक्टीरिया से भी दूर रखेगा। सो काफ़ी अच्छा है, पैकेजिंग भी अच्छी है, प्लास्टिक में आता है तो काफ़ी हैंडी भी है। इसके बाद मैंने एक और कॉटन पैड लिया था जो कि इस शेप में है, ये प्लास्टिक बॉक्स में है। मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया है, उसको मैंने ओपन कर लिया था क्योंकि मैं उसे यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये भी 150 रुपीज़ का था, इसमें 475 शीट्स हैं। कैन यू बिलीव इट, रियली इट्स अमेजिंग गाइज, यू शुड ट्राई दिस। अगर आपको कॉटन पैड्स चाहिए मेकअप रिमूव करने के लिए तो आपको मिनीसो ट्राई करना चाहिए, काफ़ी अच्छा है। तो ये मुझे 150 का ही पड़ा। नेक्स्ट जो मैंने लिया है, एक बैग लिया है जो कि छोटा सा बैग है। लुक एट दिस बैग, ओ माई गॉड, दिस इज सो क्यूट। दिस छोटू बैग इज़ परफेक्ट फॉर साइड में टांगने के लिए एंड इट हैज़ वन कंपार्टमेंट एट द बैक एज यू कैन सी हेयर, लाइक यू कैन पुट एनीथिंग हेयर। यहाँ पे एक हुक टाइप में है, इसको एक स्ट्रैप है, एक छोटी सी हैंड स्ट्रैप है उसको आप इसको इसमें लगा के आप हाथ में भी कैरी कर सकते हो। मैं इसका प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप प्राइस के लिए वहां जा सकते हो। और जब आप इसको ओपन करते हो तो यहां पे आपको मिलते हैं दो कंपार्टमेंट जिसमें कि एक बड़ा सा कंपार्टमेंट है और मैंने अभी इसको निकाला नहीं है तो चलिए निकाल देते इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पे ही मिलता है आपको ये वाला कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट। जो स्ट्रैप है वो चैन टाइप में है और यहाँ पे इसके ये लगा हुआ है, और ये इस हैंड स्ट्रैप की मैं बात कर रही हूँ, ये ऐसा कुछ आता है। ये आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं और इस वाले हुक के पे भी लगा सकते हैं, तो दोनों तरह से जैसे आपको कैरी करना आप उसे कैरी कर सकते हैं। और देन एक यहाँ पर भी कंपार्टमेंट है जिसमें कि कुछ नहीं रखा है, दो मतलब मैंने अभी लिया है तो मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। काफ़ी अच्छा बैग लगा, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी है। फॉक्स लेदर है ये, तो उस हिसाब से काफ़ी फॉक्स लेदर या प्यू लेदर है, ये कंफर्म नहीं है मुझे कि कौन सा लेदर है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा बैग है। मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था छोटू सा बैग जो कि मुझे इजीली कैरी करने में इजी हो, मतलब साइड में मैं टांग सकूं उसको, तो ये मुझे मिल गया फाइनली। मतलब बैग को हमेशा आपको जो उसमें जिसके साथ वो फिलिंग के साथ आता है उसके साथ ही रखना चाहिए जिससे कि इसकी शेप ख़राब ना हो। नाउ नेक्स्ट जो है वो भी एक और बैग है, और ये है, ये ऑलिव कलर का बैग है। ये मैंने क्यों लिया है, नाउ क्वेश्चन कम्स दिस कि ये मैंने क्यों लिया है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं बाहर जब जाती हूँ तो मुझे फ़ूड कैरी करने के लिए बैग चाहिए होता है, तो फूड कैरी करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको इसमें ज़िप मिलती है जिसको आप ओपन करते हैं तो अंदर में आपको ये एल्यूमिनियम फॉइल वाला कुछ है जिसमें कि आपका अच्छे से खाना होगा और मतलब आपको फैलेगा भी नहीं, बैग पे स्टैंड भी नहीं करेगा, अगर फैल भी जाएगा तो वो जो एल्यूमिनियम रैप है वो उसको
अपने अंदर ही स्टोर कर लेगा, आपको बैठ के गंदा नहीं करने देगा। और इसका जो मटेरियल है ऊपर से वो रेक्सिन टाइप है, जो कि अगर बारिश भी या पानी पड़ेगा इसके ऊपर तो वो अंदर तक नहीं जाएगा और जो अंदर की चीज़ें वो बाहर नहीं आएगी। तो लंच लंच कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो, बस इतना ही, छोटा सा हॉल था, मिनी हॉल था ये। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कुछ सामान ट्राई करूँ मिनीसो से, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं वहाँ से क्या सामान ट्राई करूँ, मुझे कमेंट करके बताइए, और उसके फिर मैं वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। और रिसेंटली मिनीसो ने अब इसकी कॉस्मेटिक रेंज भी, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर हॉल और रिव्यू बनाऊँ, तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा कि आपके लिए वीडियो करना। दिस इज़ प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो, आई रियली होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या करना है आपको सब्सक्राइब करने के लिए? सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, उसके बराबर में जो बेल बटन है उस पर क्लिक करना है, बस सब्सक्राइब हो जाएगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाके स्पार्की डिवास टाइप करना है, देन मुझे फॉलो करना है और मैं हो गई फॉलो। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।